इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था, बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। अब तुम क्या करोगे? मैं सेना इकट्ठी करूंगा और अपना राज्य वापस लूंगा। लेकिन कैसे? कहीं कोई बात हुई? अभी तो सिर्फ आप ही मिले हैं मुझसे और आपने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया मुझे। हम दोनों की उम्र में काफी अंतर है ना, लेकिन हम दोनों की कहानियां एक सी। मैं किसी भी हालत में अपने राज्य को वापस लेके रहूंगा। जब इरादे मजबूत होते हैं मिलो तो कामयाबी हमेशा कदम। मैं रिनू का अंगरक्षक हूं, मेरे होते हुए उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, मगर मुझे बहुत डर लग रहा। लोगान मुझे मत मारना, लोगान मुझे मत मारना, मुझे बहुत डर लग रहा। चलो विनो, रात बहुत हो चुकी है, जाओ तुम भी जाकर आराम करो। और आप? नहीं, मैं तुम दोनों की हिफाजत के लिए जागूंगा। जाओ। कोई करता है पर इंसान वही है बेटा जो दूसरों की पीड़ा दूर कर सके। और फिर किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही पड़ता है। ठीक है, जैसी आपने हो क्या किया। सत्य का कवच तेरे साथ। महाराज जारांत को मार।
सामंत नारक की मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई। ओमियान के सदस्यों से शिकायत करने जा रहे थे महाराज। उन्हें बताने जा रहे थे कि थार के लोग कितने कष्ट में हैं। बस करो जालिमो, बस करो। ठीक है, इस बार तो छोड़ देता हूँ। दोबारा भागने की कोशिश की तो वो हाल करूँगा कि चलने से भी मजबूर हो जाओगे। चलो। प्रणाम महासामंत नारक। तभी मेरी बेटी का पता मुझे अभी तक नहीं चला, और सिर्फ माया ही उसका पता जानती है। तबीयत कैसी है उसकी? वो अभी तक होश में नहीं है। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं मगर इन पर कोई असर ही नहीं होता। ये देखिए, किसी और शरीर में इन तरंगों का जरा सा झटका भी होश मिलाने के लिए काफी होगा। तभी ये क्या हुआ? माया कहां गई? हमारे साथ धोखा हुआ है महासामंत नारक। लगता है ये माया नहीं थी, उसकी प्रतिछाया थी जो प्रकाश कणों से बनी हुई थी, जो वास्तविकता का भ्रम दे रही थी। महासामंत नारक के साथ धोखा। तभी आखिर माया ने सविधान की विद्या का प्रयोग हम पर कर ही दिया। महासमत नारक की जय हो। उमियान सदस्य राहू ने आपके लिए एक जरूरी संदेश भेजा है। क्या समाचार लाए हो राहू? इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। समाचार माया के बारे में है। माया? कहाँ है माया? उसी की वजह से बहुत परेशान हूँ। उसने मुझे धोखा दिया। यही ना, महासामंत नारक, इस वक्त माया कुरुक्षेत्र में है। माया इस वक्त कुरुक्षेत्र में है, लेकिन वो वहाँ पहुँची कैसे? उसे आर्यमान लेकर गया। आर्यमान? लेकिन आर्यमान तो यहाँ उसे एक में मर चुका है। आर्यमान इतनी आसानी से नहीं मर सकता महासामंत नारक। वो यहाँ से बच निकला और उसे एक से माया को निकालकर कुरुक्षेत्र ले गया। राहु, लगता है मुझे कुरुक्षेत्र का वही हाल करना पड़ेगा जो मैंने सविदान का किया था। ऐसी गलती मत करना महासामंत नारक। यदि तुमने कुरुक्षेत्र पर हमला किया तो पूरा ओमियान तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। होशिन ओमियान का अध्यक्ष और ओमियान की विशाल सेना उसकी रक्षा के लिए सदैव तैयार रहती है, और ओमियान के सदस्य अपनी सेना तुम्हारे खिलाफ भेजने पर मजबूर हो जाएंगे। और मैं यही सोचकर मैं रुक जाता हूँ राहू, लेकिन मैं हाथ लादर के बैठ तो नहीं सकता। एक तरफ ओमियान और दूसरी तरफ आर्यमान। आर्यमान कुरुक्षेत्र में भी नहीं है महासामंत नारक। आर्यमान कुरुक्षेत्र में नहीं है तो फिर है कहाँ? उसे महान होशिन ने दिव्यास्त्र चंद्रहास प्राप्त करने के लिए भेज दिया है। दिव्यास्त्र चंद्रहास? मगर क्यों? ये तो आप स्वयं से पूछिए महासामंत नारक। लगता है महान होशिन की भविष्यवाणी सच होने जा रही है। नहीं राहू, मैं होशिन की भविष्यवाणी को सच नहीं होने दूंगा। मैं आर्यमान को चंद्रहास तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि चंद्रहास पाने के बाद तो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। चंद्रहास का एक और बहुत बड़ा गुण है,
रहस्य सिर्फ कुछ ही लोगों को मालूम है। कैसा गुण और कैसा गुप्त रहस्य? चंद्रहास ब्रह्मांड के कठोरतम पारदर्शी स्फटिक से बना हुआ दिव्यास्त्र है। जब सूर्य की किरणें इससे गुजरकर जहां जहां पड़ती है उस जमीन को थारस की खान बना देती है। आज तक कहावत यह है कि जिसके हाथ में थारस होगा उसके हाथ में ब्रह्मांड। असली कहावत यह है कि जिसके हाथ में चंद्रहास होगी उसके हाथ में ब्रह्मांड होगा। तब तो चंद्रहास मेरे हाथ में होगी और ब्रह्मांड मेरे कदमों के नीचे। राहु, अब महासामंत नारक का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आर्यमान को पाना, जिंदा या मुर्दा। खुशखबरी देनी थी, इसीलिए सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सका। क्या हमारे जीवन में अभी कोई खुशखबरी बाकी है? हमारे भाग्य से तो खुशखबरी का भंडार कब का खत्म हो चुका। नहीं रासा, नहीं, हमारे जीवन में अभी तो बहुत सी खुशखबरियां आएंगी और सबसे पहली खुशखबरी ये है कि अरियमान जीवित है। एक बात याद रखो, हमारा आर्यमान सबको मुश्किल से निकालने आया है, फिर वो खुद मुश्किल में कैसे पा सकता है? हमारा आर्यमान अगर किसी मुश्किल में होगा भी तो किसी की मुश्किल आसान कर रहा होगा, और जो दूसरों की मुश्किल आसान कर सकता है वो भला मुश्किल में कैसे पा सकता है? तुम देखना रासा, हमारा आर्यमान किस तरह रास्ते के पत्थरों को सीढ़ी बनाकर हर मुश्किल पार कर जाएगा। बस तुम सिर्फ धीरज रखो। सत्य का कवच,
तेरे साथ। ये ले धोखे बाज, ये ले, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। खान, तू मेरा चाचा नहीं है, मेरे माँ बाप का हत्यारा है, उन्होंने धोखे से मारा और मेरे राज्य साथ पर अपना अधिकार कर लिया। ये ले, ये ले। मैं तेरी मोटी मोटी अलग कर मार डालूंगा तुझे, बदला लूंगा अपनी माँ बाप की मौत का तुझसे। ये ले। क्या कर रहे हो, पागल हो गए? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, अपने चाचा लोखान को सपने में देख के मैं पागल हो गया हूँ। आज सुबह मेरे सपने में आया था और इस ग्रह पर आ पहुंचा, मुझे मारना चाहता है वो, आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा वो, मार डालूंगा। विनु, 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 वो एक सपना था और सपने कभी सच होते हैं। मेरे ग्रह में कहा जाता है कि सुबह के सपने सच होते हैं, मैं उसे मार डालूंगा, मार डालूंगा उसे मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इसके लिए उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है विनु, तुम उसे जरूर मारोगे, मगर इसके लिए तुम्हारे अंदर धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य नहीं है तुम्हारे अंदर, बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हो, उत्तेजित हो जाते हो, और ये लकड़ी से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तलवार चलाना सीखना होगा। सीखूंगा, अवश्य सीखूंगा, मगर ये तलवार चलाना मुझे तुम सिखाओगे। ठीक है, किसी दिन सिखा दूंगा। नहीं, मैंने कह दिया मुझे अभी और इसी वक्त सीखना है। ठीक है, ये लो। ये ऐसे नहीं खुलेगी बीनो, इसका एक खोलने का तरीका होता है। वही तरीका तो सीखना चाहता हूँ अरमान, क्योंकि जब जमीन के नीचे उन दैत्य को मारने के लिए तुम्हारे इस विद्युत तलवार को इस्तेमाल करना चाहा, तो वो नहीं खुली थी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, इसे पकड़ते वक्त यहाँ तो मजबूती रहती है, मगर कलाई पर ढीला पड़ रहा है, लचक है, ताकि दुश्मन से लड़ते वक्त तुम्हारी कलाई इतनी लचकदार होनी चाहिए कि हर दिशा में तुम तलवार को घुमा सको, समझ गए? तो पकड़ते वक्त यहाँ पर मजबूती है, यहाँ पर लचकदार, और फिर इसे यहाँ से दबाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए साधना की आवश्यकता, इतना आसान मत समझो इसे। देखो, देखा? वाह! और फिर इसे बंद करते समय भी उसी तरह से यहाँ पर मजबूती और यहाँ पर लचकदार, और इसे दबाते ही देखा बंद हो। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। करो करो। करो। मैंने कहा था ना, इतना आसान नहीं है, इसके लिए कड़ी साधना की आवश्यकता है विनु। एक तो तुम्हारी पकड़ यहां से ठीक नहीं है, और दूसरा तुम्हारे अंदर धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है। इसको खोलते वक्त और इसको इस्तेमाल करते वक्त एक दूसरी बहुत जरूरी चीज है, वो है धैर्य। तुम बहुत गुस्से वाले हो, पहले अंदर अपने धैर्य लेकर आओ, जिस दिन तुम्हारे अंदर धैर्य आ जाएगा, इस तलवार को तुम खोलना भी सीख जाओगे, इसे इस्तेमाल करना भी सीख जाओगे। ठीक है, आज के लिए ये अजीब ग्रह है, यहाँ पर इतने पेड़ पौधे होने के बावजूद कोई बस्ती नजर नहीं आ रही, ना मनुष्य ना मनुष्य की जात। और जो दिखाई भी पड़े, गोपी, जो शिकार करते हैं जमीन के ऊपर रहकर, मगर रहते हैं जमीन के अंदर। मैंने तो वहाँ पे बहुत सारे यंत्र देखे थे, पर सब बंद। रिनो, वो यंत्र किसी पुरानी सभ्यता और पुराने समय के लग रहे थे, और वो लोग भी मुझे इस ग्रह के नहीं लग रहे थे। जब वो इस ग्रह के वासी नहीं थे तो जमीन के अंदर क्या करने गए? जी वो मैं समझता हूँ कि वो लोग किसी और ग्रह से यहाँ पर आए होंगे, और यहाँ आने के बाद में उन्हें जमीन के अंदर जाने का मार्ग मिल गया होगा, और जब वो लोग वहां नीचे पहुंचे होंगे तो वहां उन्हें अपने रहने के लायक जगह मिल गई और छुपने का स्थान भी, और इसीलिए उन्होंने उस जगह को अपना अड्डा बना लिया।